प्लेयर है भाई इंडिया के, भारत के लिए क्योंकि। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग फिर से एक ब्लॉग हो रहा है जो ये एक ट्रेवल सीरीज है। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं जब भी वापस आऊँगा कम बैक शुड बी अ सीरीज, मैं सीरीजों के साथ वापस आऊँगा। दिस इज माई न्यू एक्सपेरिमेंट। हम लोग यार ट्रेवल करने भाई पटना टू दिल्ली। दिल्ली जो हमारा भाई इंडिया का कैपिटल है, जो भी आता है पटना में वो दिल्ली के खाने, दिल्ली के कपड़े, दिल्ली का हर चीज़ मशहूर है। दिल्ली का लाल किला है इंडिया के। तो हम लोग जाने वाले हैं भाई दिल्ली, न्यू दिल्ली। दिल्ली दिल वालों की होती है, तो हम लोग भी दिल वाले से कम नहीं है। बस ये कि दिल लगाने वाले कोई नहीं है। हम लोग अभी दिल्ली जा रहे हैं यार, और अभी हमारी ट्रेन है तो मैं यहाँ से निकलूँगा डायरेक्ट। अभी ट्रेन पकड़ूँगा और 12 घंटा 14 घंटा लग जाता है मान के चलो दिल्ली जाने में। पटना से उतना बड़ा रूट नहीं है, वो छोटा सा डिस्टेंस है, तो जल्दी कवर करेंगे एंड दिल्ली करेंगे। और भी बहुत एक्साइटिंग और सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, तो वीडियो पर बने रहें और डायरेक्ट अब निकलते हैं यार। जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मुझे पता चला कि दिल्ली जाने वाली मेरी ट्रेन अभी लेट है, और पहुंचते पहुंचते दिल्ली ये 6 से 7 घंटा और लेट हो गई। और जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा भाई दिल्ली स्टेशन, तो मुझे पता चला कि हमारा स्वागत किया है बारिश ने, दिल्ली की बारिश। तो आगे मेरे साथ क्या होता है और कैसे होता है तो ब्लॉग देखते रहो। दिल्ली जैसे पहुँच चुके हैं, यहाँ से चलते हैं जहाँ जाना है। सो ये रहा दिल्ली जंक्शन, दिल्ली जंक्शन से आ चुके हैं, यहाँ पर उतर गए। अब कैब बुक की है भाई, कैब से पहुँचते हैं फ्लाइट पे। एक्चुअली यहाँ पे स्टे रहूँगा अपनी दीदी की, मेरी दीदी यहीं पर रहती है, उसका फ्लाइट है, वहीं पर रहूँगा, उसके बाद घूमूँगा। काफ़ी लेट कर दिया ट्रेन में यार। चलो दिल्ली ने स्वागत करा है भाई तगड़े वाले बारिश से। दिल्ली और दिल्ली की सड़कें, भाई दिल्ली की सड़कें ने अपने को बहुत घुमाया है। तो ये है दूसरा दिन और हम दूसरे दिन निकल पड़े हैं अपने दिल्ली के सफ़र में, दिल्ली की खोज में। तो पहला जो डेस्टिनेशन है वो हमने सोचा है इंडिया गेट, और इंडिया गेट जाने के लिए लेंगे हम मेट्रो। यहाँ से अभी हम लोग गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन के बगल में जो कि कालकाजी में है, यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे, इंडिया गेट के लिए चलेंगे। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नियर बाई मेट्रो स्टेशन है इंडिया गेट का। चलो मेट्रो एक्सपीरियंस करते हैं, 30-30 रुपये की टिकट हुई है, लेट्स एक्सपीरियंस। कालकाजी मंदिर मेट्रो स्टेशन, यहाँ से हम लोग जाएंगे सेक्रेटेरिएट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन जो कि नियर बाई है इंडिया गेट, एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होता है। टिकट है हम लोग बस ऑनलाइन। और भाई लो पहुँच पड़े हम दिल्ली के जाने माने और फेमस चीज़ मेट्रो, दिल्ली मेट्रो। और दिल्ली मेट्रो का ये सफ़र बहुत अच्छा रहा, आप तो हर जगह दिल्ली मेट्रो से जा सकते हो, यानी बहुत ही सही है, कन्वीनियंट है भाई। अगर दिल्ली आए और मेट्रो पे नहीं किया सवारी तो भाई क्या किया। और भाई ऑटो एंड कैब सब बहुत ही चीप एंड बेस्ट चीज़ है, बहुत आसान है, बहुत कन्वीनियंट है। तो मेरे को तो बहुत मज़ा आया भाई दिल्ली मेट्रो में। एंड यहाँ पर कैमरा वैमरा मेरा बैग बहुत चेक हुआ यार, हर जगह जाओ बैग मेरा चेक हो रहा है क्योंकि मेरे बैग में था कैमरा। सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से आ रहे हैं, निकल गए हैं तो अभी मैं हूँ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के पास, एंड यहाँ से उधर इंडिया गेट का रास्ता है, ये छोटा सा लेक टाइप मिल रहा है। चलो भाई यहाँ पे बंदर है, बहुत अग्रेसिव है, पंगा नहीं लेना चाहिए, खुद पड़ा था एक तो मेरे पे पूरा। तो अभी मैं चल रहा हूँ जिस रोड पे भाई, ये वाला है जो जाता है सीधे इंडिया गेट। अगर मैं पीछे टिल्ट करूँ अपनी स्क्रीन तो आपको समझ में आएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करूँ। ये जो रास्ता जिस पे अभी हम लोग चल रहे हैं ये है कर्तव्य पथ। ये अगर जो आपने टीवी में देखा होगा या फिर आप जानते होंगे कि जब नेशनल इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे के दिन जो परेड होती है वो इसी कर्तव्य पथ पे होती है। और ये चलो हम इंडिया गेट तो देख रहे हैं, बट इंडिया गेट के बारे में कुछ बताया जाए, आखिर ये बना क्यों था,
ये 70,000 सोल्जर जो हमारे वर्ल्ड वॉर वन में शहीद हुए थे उनके यादगार में ऐसी उनको इज्जत देते हुए उन्हें सम्मान देने के ये बनाया था, ये वॉर मेमोरियल इसे कह सकते हो। एंड इसकी हाइट 2 मीटर है। 1921 में शायद इसको ओपन किया गया था लोगों के लिए, मे बी आई एम रॉन्ग मे बी आई एम नॉट, बट साल को छोड़ के बाकी सब स्टेटमेंट सही होंगे। 42 मीटर हाइट है इसकी एंड इट इज़ सिचुएटेड हेयर जिसे हम कहते कर्तव्य पथ पे इसे स्थित है यार। इट्स लुक लाइक दिस एंड रात में आओगे तो यहाँ पर लाइटिंग शो भी होती है, मतलब लाइट्स वगैरह से बहुत बढ़िया लगता है। अभी तो गर्मी में थोड़ा दोपहर में आने में उतना बहुत जलता है शरीर यार। आखिरकार दिस इज इंडिया गेट। फिर है भाई इंडिया गेट, भारत का इंडिया गेट जो कि मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर वन के टाइम बना था। वो 70,000 लीटर्स को जो भी सही हुए थे उनके नाम पे। एंड इधर वॉर मेमोरियल भी है एंड दिस हाउ इट लुक्स लाइक 42 मीटर हाइट। एक छोटा मोटा हाइट नहीं होता, 42 मीटर बहुत बड़ा होता है। ग्रेट वंडरफुल एक्सपीरियंस हियर, बहुत ही तगड़ा वाला था। एंड यहाँ पे कोई फेयर नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आ सकते हो। एंड अगर वो थोड़ा ग्रीनरी टाइप गार्डन टाइप देखने को भी मिल जाता है। बिहाइंड मी दिस इज द स्टैचू ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मैन ऑफ नो व्हाट ही कंट्रीब्यूट्स टू द इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री। सो हियर इज हिज स्टैचू एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये एक प्लम्बर टाइप बना हुआ है जो कि डायरेक्ट इसके पीछे है, इंडिया गेट के पीछे। यहाँ पे था इंडिया गेट एंड इंडिया गेट काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, आपको आनी चाहिए अगर आप इंडिया में आ रहे हो, सॉरी दिल्ली में आ रहे हो, इंडिया में आ रहे हो, तो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस। तो मैंने इंडिया गेट करा एंड यहाँ से अभी निकलेंगे सीपी के लिए, कनॉट प्लेस है, सोचा है जहाँ पर चला जाए मन, जहाँ पर लेके चला जाए वहाँ चले जाएंगे। चलो यहाँ से चलते हैं एंड बस बाय बाय इंडिया गेट। यहाँ तक आने में उतना मुश्किल नहीं है, आप मेट्रो से भी आ सकते हो, आप ट्रेन से भी आ सकते हो, आप टैक्सी भी बुक करके आ सकते हो, बट मैं तो कहूँगा मेट्रो इज़ फार मोर इजी क्योंकि आप डायरेक्ट सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पर उतरते हो, उसके बाद से कुछ वॉकिंग डिस्टेंस 1 to 2 किलोमीटर का एंड आप पहुँच जाओ। इंडिया गेट से हमारी सवारी निकल गई सीपी के लिए कनॉट प्लेस जो कि इंडिया गेट के एकदम बिल्कुल बगल में था और बहुत ही पॉपुलर प्लेस है दिल्ली में। हम लोग सीपी विज़िट करने आ गए एंड इट इज़ अ हैपनिंग प्लेस और ख़ासकर रात में हर जगह पे अलग वाइब होती है जहाँ तक मुझे पता है और मैंने सुना है। तो भाई आ चुके हम लोग सीपी कनॉट प्लेस जो कि बहुत ही फेमस मार्केट है प्लेस दिल्ली में यार। This is
इस साइड में देखोगे तो भाई जो स्ट्रीट वेंडर्स है वो भी लगे रहते हैं, हमें पार्किंग भी सही है। तो दिस इज सिपी कनॉट प्लेस। प्लेस इज ऑल अबाउट मार्केट एंड लेकिन बहुत बढ़िया मार्केट है, हाई फाई से लेके कैफेज वगैरह सब ब्रांडेड चीज़ें के रिटेलर स्टोर सब कुछ मिल जाते हैं। तो चलो यहाँ से निकलते हैं यार। गलती मैंने की, वो गलती आप मत दोहराना। गर्मी में तो भाई अवॉइड ही करो, तभी चटके मार रही है मुझे।